बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डी एस आर फॉर यू में। बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हुए हैं, आप इनको देख लें और इनको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सॉल्व तो करा रहा हूँ पर एक्चुअल में क्या है कि इतना सारा सॉल्व कराने में भी टाइम लग रहा है और मैंने पुराने वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। तो इस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरी आपकी मैथमेटिक्स की बुक में, मतलब आपके प्रश्न बैंक में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी प्रश्नों को यहाँ पे बतला दिया है। तो अब आपका काम ये है कि इन प्रश्नों को आप लोग सीख लें, बहुत अच्छे से तैयार कर लें। पूरा भरोसा रखिए, पेपर आपका इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा। विश्वास किया है आपने इतने दिनों मुझ पर, तो इस बात पे भी विश्वास कर लीजिए। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ बच्चों, उनको बहुत 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 अच्छे से आप लोग सीख लें। और एक बात और, फालतू के किसी के चक्कर में ना पड़ें। आप लोग को कई लोग फर्जी पेपर दे रहे हैं पुराने पेपर उठा के, तो उनके चक्कर में ना पड़ें। ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ बच्चों, इनको बस तैयार कर लें तो आप लोगों के पूरे मैथमेटिक्स तैयार हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उनको आप लोगों को जरूर देख लेना है और उनको तैयार कर लेना है। इस प्रश्न के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को केवल और केवल प्रश्न बताऊंगा। तो देख लेते, शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले आपकी जो प्रश्न बैंक है, इसमें आप लोगों को मालूम ही है कि आपका जो ब्लू प्रिंट कैसा क्या है। तो देखें, अध्याय एक की बारी आती है, तो अध्याय एक में बच्चों ये वाला प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 135 और 225 का आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से मान ज्ञात करना। फिर यहाँ पे ये वाला है, एक मिठाई विक्रेता वाला, इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखें, नौवा और दसवां नंबर प्रश्न, ये वाला 2Q वाला, ये आपका प्री बोर्ड में भी आया हुआ है और इसके चांसेस हैं आने के। यदि ये नहीं पूछा जाएगा तो ये वाला पूछ लिया जाएगा, क्योंकि इस टाइप के केवल दो प्रश्न हैं और ये पूछे जाते हैं। तो अब ये पूछ लिया गया है तो हो सकता है ये पूछ लें, और नहीं तो ये तो पूछ ही जाएगा। तो ये तैयार कर लें आप लोग। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ और प्रश्न हैं, देखें ये प्रश्न क्रमांक 14 देख लीजिएगा, 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना। अभी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके और भी इनके सॉल्यूशन दे दूंगा जितना बन पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये वाला प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, 16वां प्रश्न, HCF ज्ञात करने के लिए कि दो संख्याओं का HCF इतना दिया हुआ है तो LCM ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज़ और, हो सकता है कि आप लोगों की कुछ संख्याएँ चेंज कर दी जाएँ, तो अगर आपने इन सवालों को सीख लिया तो इनका पैटर्न भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अध्याय एक। अब बात करते हैं अध्याय दो की। तो पर तो आपसे मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्टिव आपको सीख लेना है, ये प्रश्न जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये वाला जो बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें क्या करना पड़ता है, शून्यक ज्ञात करने पड़ते हैं। तो शून्यक मालूम कैसे ज्ञात करते हैं, कि ऐसे ये जो वक्र है ये बना हुआ है, तो ये वाली रेखा कहलाती है एक्स अक्ष। इस एक्स अक्ष को जिन जिन बिंदुओं पर काटता है, जैसे यहाँ पे एक बिंदु पर काट रहा है और एक ये दो बिंदु पर काट रहा, तो ये होते हैं हमारे शून्यक। तो इस प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे दो शून्यक, अगर कोई और ग्राफ बन जाता। अब जैसे आप लोगों को इस टाइप का प्रश्न मिल जाए, अब इसमें बोल दिया जाए शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को बस यही देखना है कि देखो ये है एक्स अक्ष हमारी, है ना, ये एक्स अक्ष हमारी, इस एक्स अक्ष पे ये कितने पॉइंट पे काट रहा, तो 1, 2, 3 और 4, तो कितने पॉइंट पे काट रहा, 4 पॉइंट पे, तो इसके शून्य हो जाएंगे 4। तो इस प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा। फिर इसकी, इस अध्याय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये 5वां प्रश्न ज्ञात कर लीजिएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल इतने इतने हैं। बच्चों ये जो पूरे प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनके सॉल्व वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आप उनको जाइए और देख लीजिए। मेरे वीडियो सेक्शन पर जाइएगा, जैसे ही आप मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ वीडियो पर जाना, वीडियो पर आप देखना, तो या फिर मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाना क्लास 10th IMP क्वेश्चन वाली, उसमें मैथ्स के पूरे अध्याय एक, अध्याय दो, अध्याय तीन, ये पूरे सॉल्व हैं, उनको आप खोलिए और वहाँ से आप इनको तैयार कर लीजिए। एक चीज़ और, अपने छोटे भाई बहन 9वीं क्लास वालों को भी बोल दीजिएगा, बहुत जल्द उनकी भी तैयारी मैं कराने वाला हूँ। आप लोगों के एग्जाम से जैसे ही फ्री होऊंगा, 9वीं क्लास का नंबर लग जाएगा, तो उनको भी हमारे चैनल की जानकारी जरूर दे देना। तो ये 5वां कर लें आप लोग। फिर इसके बाद बच्चों ये 6वां सवाल भी आ सकता है, सेम उसी पैटर्न का है 5वें के जैसा। इसके बाद देखो ये प्रश्न है जो एक और एक बहुत इजी है, आप लोग जब इतने ये बन जाएंगे आपसे, अगर ये ऊपर वाला आपसे बन गया 6वां वाला, तो 7वां इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9वां, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग और गुणनफल केवल इतने इतने हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ये ही देखें, ये देखिए आप जरा इस पेपर में,
इस पेपर में देखें, एक प्रश्न आया है शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हैं तो आपको बहुपद बनाने के लिए, और दूसरे में शून्य ज्ञात करने के लिए। मतलब ये फिक्स है कि एक प्रश्न इस टाइप का आएगा जिसमें आपको बहुपद बनाना पड़ेगा और एक में शून्य ज्ञात करना। तो अब आप लोग एक काम करें, मैंने आप लोगों को जितने बताए हैं इनमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना, और बाकी जो ये प्रश्न है इसमें शून्य ज्ञात करना। तो आप लोग बच्चों को एक पैटर्न तैयार कर लो, डेफिनेटली है कि जरूर फंस जाएगा। तो मेरा सुझाव है आप लोगों को कि जो द्विघात बहुपद बनाने वाले सवाल हैं इनको आप लोग सीख लो। तो इस अध्याय से ये 3-4 प्रश्न बन रहे हैं, इनको देख लीजिएगा, चाहो तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हो। इसके बाद बारी आती है बच्चों अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर से मैं बता दूं, ये रेखाओं के प्रतिबंध, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इन प्रतिबंध में बहुत सिंपल है, देखें इस तरीके से 3 वैल्यू मिलेगी इसमें, ठीक है। अगर पहला वाला a1 a2 बराबर नहीं b1 b2 के, तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होगा, इसका द्वितीय हल होगा। अगर ये पहला दूसरा तो बराबर है पर दूसरा तीसरे के बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पे अगर तीनों बराबर हैं तो अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पहले से ही मान गड़बड़ हो गया तो अद्वितीय हल, यदि दूसरी कंडीशन से मान गड़बड़ हुआ तो कोई हल नहीं, और तीनों मान बराबर हैं तो अनेक हल हो जाएंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये प्रतिबंध आप लोगों को जरूर याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में आपके इसके टाइप से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। देख लीजिए ये यहाँ पर देखें, प्रश्न नंबर जैसे दूसरा है ये, यदि ये पहले ही है तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल, यहाँ पे आया तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और ये तीनों आ गए तो क्या हो जाएंगे, अनेक हल होंगे। तो इनको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका दूसरे टाइप से घुमा करके भी पूछा जा सकता है इस टाइप से जी, कि ये कंडीशन ये बोल रहे हैं, अद्वितीय हल होने की क्या कंडीशन, तो ये होगी, कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होगी, तो ये होगी, और अनेक हल होने की कंडीशन क्या होगी, तो ये होगी। इस तरीके से ये दोनों तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोगों को बहुत तैयार कर लेना अच्छे से। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे इस अध्याय से ये 6वां प्रश्न कर लेना प्रतिस्थापन विधि के लिए, फिर यहाँ पे ये 7वां प्रश्न देख लेना, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात कीजिए, ये कर लीजिएगा तैयार। फिर इसके बाद बच्चों इस अध्याय से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आप लोगों को, देखें जरा आप लोग इस अध्याय के लिए जो पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ देखिए जैसे ये था, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले 6 गेंदें इतने में खरीदी, इसके नीचे देखें पी के मान वाले सवाल, ध्यान से देखिएगा, पी के मान वाले सवाल या फिर के मान वाले सवाल, ये देखिए जैसे ये इसमें के का मान ज्ञात करने वाले, तो ये चीज़ तो फिक्स है कि आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न देखें, ये तो प्रतिस्थापन है, ये 14वां देखें एम का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्रिकेट टीम वाला है, अच्छा एक प्रश्न और है, ये दो संपूरक कोणों में भी छोटा कोण बड़ा है, ये वाला तैयार कर लीजिएगा आप लोग चाहो तो, नहीं तो मेरा तो सुझाव ये है आप लोग कि ये भी इतने सवाल हैं पी वाले के वाले एम वाले, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा में एक प्रश्न डेफिनेटली होगा, इसलिए आप लोग उनको रेडी कर लेना। प्रतिस्थापन विधि अगर आ गई, पूछ ली गई, तो दो प्रश्न बताए हैं, एक वो पिछला निकल गया और एक ये वाला, इसको कर लीजिएगा। ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं, 5 संतरों और 3 सेबों का मूल्य इतना इतना है, तो बताइए। बात आती है अध्याय 4 की द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण में बच्चों आप लोगों के लिए मैं बता दूँ ये वाला सवाल, 5वां सवाल, इसको देख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है, इसको आपको हल करना है और बताना क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले जब आप हल करोगे तो देखेंगे अगर घात 2 में मिल जाए, जैसे इसको उत्तर ये 2 की घात में मिला, मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सीख लेना। तो 5वां देख लीजिएगा, ये जो 7वां प्रश्न है इसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप लोगों को ये वाला सवाल देख लीजिएगा, 9वां प्रश्न, ये है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इसके पूर्णांकों को आपको ज्ञात करना, बहुत छोटा और शॉर्ट सवाल है, इसको आप लोग तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पे इसमें भी बच्चों के वाले सवाल, ये जो 10वां प्रश्न है इसको देख लीजिएगा, 11वां प्रश्न है इसको देख लीजिएगा। गुणनखंड विधि आप लोग चाहें तो सीखना चाहें तो आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम वैसी ही कंडीशन है, एक प्रश्न के वाला आएगा और एक ये गुणनखंड वाला आएगा। तो आप लोग यदि देखना चाहें तो 12वां 13वां ये 2 प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 17वां नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर वाला, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का अध्याय 4 भी खत्म हो गया, अब बारी आई अध्याय 5 समांतर श्रेणी की। तो बच्चों समांतर श्रेणी में आप लोगों को कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रख लेना है, ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको प्रथम पद सर्वांतर वगैरह इसका वीडियो मैं भी दे दूंगा थोड़ी देर बाद, यदि बन पड़ा तो आप लोगों को पूरा सॉल्व बता दूंगा, अगर अभी आप लोग प्रश्न देख लें। 5वां प्रश्न देख लीजिएगा इसका, 5वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद 9वां प्रश्न देख लीजिएगा,
दसवां प्रश्न ये देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्यारहवा प्रश्न है बच्चों ये आपके प्री बोर्ड में आया हुआ है। ग्यारहवा प्रश्न जो आपके प्री बोर्ड में पूछ लिया गया था, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए सत्रहवा प्रश्न, ये सात से विभाज्य है, तो ये प्रश्न पूछ लिया गया है आपका ग्यारहवा। तो अब आपके चांसेस हैं ये वाला प्रश्न तीन से विभाज्य वाला, ये पूछा जा सकता है, मगर आप लोग फिर भी रिस्क ना लें, इसको भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बारी आई प्रश्न नंबर बारहवीं की, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और पंद्रहवा प्रश्न देख लीजिएगा, समांतर श्रेणी का एक तीसरा पद याद कीजिए, ये मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। सत्रहवा पद देख लीजिएगा आप लोग, सत्रहवा प्रश्न इसको तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों इतना आप लोग कर लें, इसमें आपका ये आपका पेपर कवर हो जाएगा। अब यदि एकाध और किसी का मूड है आप लोगों का, तो आप लोग इन 18वें और 19वें प्रश्न पे भी नज़र दौड़ा सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है, आप इनको देख लें, इतना आप तैयार कर लें। बात आती है बच्चों अध्याय क्षेत्रभुज की, तो अध्याय क्षेत्रभुज में ये वाला कॉलम, ये रिक्त स्थान आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेना है, बिल्कुल अच्छे आसान होते हैं, ठीक है। सभी वृत्त देखने में एक से होते, देखें समरूप और सर्वांगसम। अच्छा एक चीज़ बोल दूँ मैं कि इस अध्याय छः के लिए मैंने त्रिभुज वाले वीडियो बनाए हैं, तीन वीडियो हैं त्रिभुज वाले सेक्शन के, उनको जाके जरूर अच्छे से देख लें आप लोग, तो आपका ये त्रिभुज अध्याय कवर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, उनको आप देख लें, क्योंकि देखो मैथ्स में सीखना तो पड़ेगा। बात करते हैं प्रश्न उत्तर की, तो ये सातवां प्रश्न देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आठवां प्रश्न देख लेना, ये पूछा भी गया है आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, आठवां प्रश्न था जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, ये देख लीजिए जी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला सवाल है, ये पूछा गया था, तो ये आप लोग को देख लेना है। फिर इसके बाद ये हो गया, इसके बाद आप लोगों को प्रश्न नंबर दसवा तैयार कर लेना है, ये दसवा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। ग्यारहवा सीढ़ी वाला, बारहवा सीढ़ी वाला, तेरहवा सीढ़ी वाला, ये जितने प्रश्न हैं ये सीढ़ी वाले, इनको आपको देख लेना है, ये पूछे जा सकते हैं सीढ़ी वाले प्रश्न, बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे एक प्रश्न है ये वाला, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय वाला, मतलब आपका प्रश्न नंबर पाँचवा है, ये प्रश्न नंबर पाँचवा है, ये प्रश्न नंबर पाँचवा, इसको आपको देख लेना है प्रश्न नंबर पाँचवा को, क्योंकि इस अध्याय से तीन और चार नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें आपके प्री बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये देखिए, ये पूछा गया था जो मैं बता रहा हूँ, ये और ये, मतलब कि आपका जो पाँचवा नंबर ये पूछा गया था, और यहाँ पर छठवा नंबर ये पूछा गया था। बच्चों फिर से कह रहा हूँ, त्रिभुज अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख लेना है, और इसके पूरे सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर दे दिए हैं, तो ये त्रिभुज अध्याय में इतने तैयार कर लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे छः अध्याय तक इम्पॉर्टेंट, इसके बाद के जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, तो अभी आप लोगों को जितने दिए हैं इनको आप तैयार कर लें, और मेरे वीडियोस देख लें, उनको आप तैयार कर लें, सीख लें अच्छे से। अध्याय सात से जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके बाद वाले मैं प्रश्न अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, तब तक आप लोग इतने प्रश्न तैयार करें, ठीक है। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, गुड बाय।